संयुक्त, ये दूसरा पार्ट है, पार्ट वन अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है और ये पार्ट टू है। जैसा कि संयुक्त वाक्य के उप विभागों को हम लोग देख रहे थे, तो संयोजक देखा, वियोजक देखा, अभी यहाँ पर देखेंगे विरोध, विरोध संयुक्त वाक्य, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य की तुलना में कैसे कार्य करते हैं, कैसे क्रियान्वित होते हैं, अपनी बातों को कैसे स्पष्ट करते हैं। जब दो वाक्यों के कथनों में विरोध करता है तो उसे विरोध संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, बल्कि आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। जैसे बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, जाने को तैयार था पर लोगों ने जाने नहीं दिया। परिमाणवाद, जब संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक में से किसी कारण का बोध होता है और दूसरे से उस कारण के उत्पन्न कार्य या परिणाम का बोध होता है, तो कार्य कारण संबंध होने पर संयुक्त वाक्य को परिमाणवाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी जब वह जहाँ पर जिस वाक्य में कार्य और कारण, कार्य कौन सा हो रहा है और उस कार्य के करने का कारण क्या है, तो ऐसे वाक्यों को परिमाणवाचक कार्य संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बीमार हूँ इसलिए बैठक में नहीं आ सकता, कारण क्या है? बीमारी। उसे लड़की पसंद थी अतः शादी के लिए तैयार हो गया। अब रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कैसे करेंगे हम? रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त में, सरल से मिश्र में, संयुक्त से सरल में या साधारण में, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य से साधारण में और मिश्र वाक्य से संयुक्त में। जैसा कि कुछ रूपांतरण यहाँ पर दिया दिखाया जा रहा है आपको। जैसे एक तरफ, हाँ अभी क्लियर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसे अपने वीडियोस में, कि एक तरफ आपका साधारण वाक्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ संयुक्त वाक्य दिया हुआ है। साधारण वाक्य क्या है हमारा? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते हैं। संयुक्त में कैसे हमने बदला? लोग बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होते और द्वीपांतरों को जाते हैं। कठोर बनकर भी सहृदय रहो, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। लगातार चलते हुए कछुए ने दौड़ जीत ली, कछुआ लगातार चलता रहा और दौड़ जीत ली। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। अमृतद्वीन मामू और नानी से दो दो पैसे लेता था, अमरुद्दीन मामू से दो पैसे लेता था और नानी से दो पैसे लेता था। इसी प्रकार से जब आप इसके नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अर्थों को समझेंगे तो किस प्रकार से इसमें वाक्य परिवर्तन करना है वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। बच्चों, इस पाठ से के अंतर्गत प्रश्न उत्तर आपको स्वयं ढूंढने हैं और करने हैं। आशा है आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।